आज हम लोग पढ़ेंगे पौराणिक बहुपद। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि बहुपद क्या होता है, बहुपद से सारी रिलेटेड जानकारी मैंने दे दी है। आइए अब देखते हैं इसे रिलेटेड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। लिखा है किसी बहुपद के पीएक्स के लिए, ठीक है, यानी किसके लिए, पीएक्स के लिए, ठीक है, पीएक्स के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों को की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि शून्य को मतलब क्या होता है, जीरो। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, बता चुका हूँ कि जीरो कैसे, यानी किस वैल्यू पर हमको जीरो मिलेगा। जैसे मैंने बताया था कि यदि जैसे कि रखा था p = 2x, मान लेते 2x रखते हैं, 2x - 2 है, ठीक है, यदि सॉरी इस तरीके से रखते हैं px = ठीक, यानी कि अब ये दिया, यानी मेरा क्या बहुपद है, ठीक है, यानी अब इस बहुपद में किस वैल्यू के लिए जीरो प्राप्त होगा, यानी क्या करेगा, यदि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो p = 2 × 1 - 2 × 2 = 2 − 2, यानी कि जीरो, यानी हमको जीरो प्राप्त हो गया। तो जीरो किस वैल्यू के लिए प्राप्त हुआ है, 1, तो यही वन मैं इस बहुपद के लिए मेरा क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, ठीक है, इस तरीके से हो गया। लेकिन अब हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, शून्यकों की संख्या, यानी कि कितने वैल्यू पे ये जीरो हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या रखा मैंने 1 रखा, हमको ये जीरो मिल गया, ये कितने वैल्यू के लिए, 1, केवल एक स्थिति के लिए। इसी तरीके से अब हम ग्राफ के बारे में चेक करेंगे, तो हमको क्या कर रहा है, पीएक्स, यानी हमको केवल किस पे ध्यान देना है, एक्स अक्ष पे, किस पे ध्यान देना है, एक्स अक्ष पे ध्यान देना है, केवल हम एक्स अक्ष पे ध्यान देंगे। मैं बता देता हूं, यानी आपको जब भी ग्राफ मिले जिस एक्स जिस अक्ष पे बात करेगा उस अक्ष पे देखेंगे, और इस ग्राफ में एक्स अक्ष पे बात कर रहा है, हम देखेंगे कि एक्स अक्ष पे कोई लाइन क्या एक्स अक्ष को काट रही है, यदि कोई लाइन एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी उतनी क्या कहलाएगी, शून्यकों की संख्या। आइए देखते हैं फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, क्या फर्स्ट में कोई भी रेखा जो ये रेड लाइन रेखा है एक्स एक्सिस को कट कर रही है, नहीं, ये कट कर रही है नहीं, तो इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, जीरो। मैं फिर से बता दे रहा हूं, यदि कोई भी रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा उतना क्या कहलाएगा, शून्यकों की संख्या। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इस वाले ग्राफ में कि जो मेरा वाई, ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, न कि हमको किस पे देखना है, एक्स एक्सिस पे, इसलिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं कट कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, जीरो। आइए हम नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं, इसमें देखिए ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है, तो ये वाली मेरी रेखा क्या है, वाई एक्सिस है, हमको वाई एक्सिस से कोई नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब है, केवल एक्स एक्सिस से। तो यह रेखा जो रेड वाली लाइन रेखा है यह एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, एक बार, इसलिए इसको शून्य कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ में जो ये रेड वाली लाइन है, हम चेक करेंगे एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है। तो देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है, 4 जगह कट कर रही है, लेकिन हम केवल किस पे ध्यान दे रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस मेरा क्या ये है, तो काउंट करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो इसमें कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, तो इसको क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या
कितनी हो जाएगी? तीन। यानी मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो ये रेखा है हम केवल किस पे ध्यान दे रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। यानी कोई भी रेखा एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करती है वो मेरी क्या कहलाती है, सुन्निकों की संख्या। तो यह जो रेखा है एक्स एक्सिस को फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये बनाएगी क्या, ये वाई एक्सिस। हमको वाई एक्सिस को ध्यान नहीं देना, अगर यदि क्वेश्चन में वाई एक्सिस की पूछता तो हम वाई एक्सिस पे बताते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे ध्यान देनी। आइए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ ये मेरा सिर्फ कैसा है, पैराबोला। कैसा है? पैराबोला यानी कि परवलयकार है। कैसा है? परवलयकार है। आप लोग आगे नेक्स्ट कक्षाओं में जानेंगे कि पैराबोला यानी परवलयकार क्या होता है। तो आइए देखते हैं यह जो पैराबोला शेप है यानी यह एक्स एक्सिस कितनी जगह कट कर रहा है, तो हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड। यानी यह क्या कर रहा है, यह एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, सुन्निकों की संख्या। सुन्निकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ के बारे में। आइए नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है जो ये रेड लाइन है कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह पॉइंट पे कट कर रही है, काउंट करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ। अगर हम ध्यान से देखें तो ये रेड लाइन क्या है मेरा, कि एक पॉइंट यहाँ पर भी कट कर रही है, लेकिन ये पॉइंट वाई एक्सिस पे, तो हमको इसको काउंट नहीं करना है। कलर को किस पे काउंट करना है, एक्स एक्सिस पे। तो ये कितना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर। तो इसमें सुन्निकों की संख्या कितनी हो जाएगी, फोर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, फोर हो जाएगी। सुन्निकों की संख्या फोर। आइए नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरा रेड लाइन है एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे सेकेंड है और यहाँ पे क्या है, थर्ड है। यानी कि यह क्या कर रहा है, जो रेड लाइन है यह क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस की किसी पॉइंट को टच करते हुए क्या कर रहा है, ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या काउंट करेंगे, वन पॉइंट काउंट करेंगे। और ध्यान से देखेंगे तो वन पॉइंट यहाँ पर भी है, लेकिन वो क्या है, वाई एक्सिस पे है। तो हम काउंट करते हैं एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो इसमें सुन्निकों की संख्या कितनी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। इसमें सुन्निकों की संख्या कितनी हो जाएगी, थ्री। इसी तरीके से मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं, यदि आपको किसी प्रकार का ग्राफ दिया हो, अगर आपसे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पूछ रहा है कि कितनी सुन्निकों की संख्या है, यदि आपको एक्स एक्सिस पे बोलेगा तो हम देखेंगे कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। यदि वाई एक्सिस पे बोलेगा तो वह लाइन वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, हम उसको ध्यान देखेंगे। जितनी बार कट करेगा उतनी क्या हो जाएगी, सुन्निकों की संख्या हो जाएगी। सिंपल सा ग्राफ के इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू।